नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ अपने टॉपिक्स। जैसे आज अपन बात करेंगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है जल्दी से अपन कैसे करें। तो ये अपने को पता है दोस्तों कि अपन जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो अपने को अगर अपन वैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो समय लगता है। तो समय नहीं लगे, समय के अभाव के कारण अपने को एक कुछ तरीके चाहिए जिसे अपन मैथमेटिक्स को थोड़ा सा सरल कर सकें। यानी अपने को जो भी इक्वेशन बनानी है या जो भी अपने को सॉल्व करना है वो अपन आराम से कर सकते हैं। तो चलो इसी क्रम में अपन आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज अपन बात करेंगे किसी भी नंबर को जैसे 9 से गुणा करना है। किसी भी नंबर को 9 से गुणा करना है, ध्यान देना अभी। किसी भी नंबर को अगर 9 से गुणा करना है, किसी भी अंक को 999 या 999 से गुणा करना, ठीक है, से गुणा करना। चलो अब देखो अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी संख्या है, अपने को पता है कि 4 को जब 9 से गुणा करना है, ठीक है, जब 4 को 9 से गुणा करना है अपने को पता है कि 9 को 4 से गुणा करने पर कितना होता है, 36 होता है दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि 36 तो होता है, क्या पता अपन इस 36 को जल्दी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए दो टाइप्स आपके सामने। एक तो क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 को ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10-1, ओके। इसके बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि 40-4 जो कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों अपने पास में एक छोटा सा एक ट्रिक है एक, तो देखना आप उसको कैसे करेंगे। देखो अपने को दिया गया है 4 को 9 से गुणा करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जिस नंबर को जिससे गुणा करना है, यानी 9 या 99 या 999 को छोड़ करके जिस नंबर को भी आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, 4 में से 1 को कम कर देना, यानी कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, और जितना आया है उसको आप जो भी 9 वाले नंबर है उसमें से घटा दो, ओके, समझ रहे हैं। यानी आप क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी कितना जाएगा, 36 है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ आपके लिए कि भाई 4 में से आपने 1 कम किया है और जितना आया था उसको आपने 9 में से घटाया है, यही तो बात है। यानी ये तो आ गया 3, ये आ गया 9-3, यानी कितने आ गए, 36 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके दोस्तों। यानी 36 अपना आंसर आ गया, और अपने को ये तो पता था, चलो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था तो अपने को पता था कि भाई इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। अब मान लो यही कोई क्वेश्चन है और मान लो मल्टीप्लाई में आ गया कि अगर मान लो इसको गुणा करना है 99 से, ओके, 72 × 99, यानी 72 को गुणा करना है 99 से, तो देखो आप कैसे करेंगे, वही तरीका है आपको, ये तरीका आपको याद नहीं रखना, इसमें मल्टीप्लाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लंबा हो जाता है थोड़ी सी इसमें प्रोग्रेस, तो इसमें प्रोसेस लंबी हो जाती है, इसलिए आपको इसमें क्या करना है, इस विधि से करना है। करते क्या है देखना, थोड़ा सा आपको विचित्र लगेगा, नया लगेगा, लेकिन आप इसको समझें। आप क्या करना है, बेहतर से एक कम करना है, कितना जाएगा, 71, तो आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिए कि बेहतर से एक कम किया, उसके बाद में 99 में से आपको क्या करना है, बेहतर में से एक कम किए हुए को घटाना है, ओके। यानी आपने क्या किया, बेहतर में से एक कम किया, कितना जाएगा, 71 जाएगा, इसके बाद में 99 में से आपको क्या करना है, 71 घटाने हैं, यानी ये तो आगे 71 और 99 में से 71 घटाओ तो कितने आ जाएंगे, आंसर 28, यानी अपना आंसर आ जाएगा 7128, अपना क्या जाएगा, आंसर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस प्रकार से आसानी से थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको लंबा बताया था इसे करके। यदि आप मान लो इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लो 45 आप उसको अगर मल्टीप्लाई करना 99 से, ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है छोटा ही से, तो आपको कैलकुलेशन दिमाग में भी करनी है दोस्तों, क्यों, यदि आप यहाँ से क्या लिखते हैं 44 लिख सकते हैं और इसको 99 में से घटा दीजिए तो कितना जाएगा, 55 आ जाएगा, ओके। आप कैलकुलेटर लेकर के आप इसको चेक कर सकते हैं कि 45 को अगर 99 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो दोस्तों यही अपना आंसर आएगा, ओके, समझ गए। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं कि मान लो कोई एक अलग एग्जांपल है, कोई एक अलग एग्जांपल लेते हैं अपन जिसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो देखो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गए कोई 3 डिजिट्स आ गई, ओके, जैसे मान लो आगे 289 और इसको मल्टीप्लाई करना है, या 285 आ गई इसको मल्टीप्लाई करना है 999, यानी 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है। करेंगे कैसे, तो आपको उस चीज को ध्यान में रखना है जो आपको मेथड बताया गया। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक कम करेंगे, यानी कितना जाएगा, 784 आ जाएगा, और 784 इधर से घटा दो, 2 1 5,
यानी 999 में से आपको 784 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा, ये अपना क्या गया आंसर आ गया। तो कह रहे हैं मतलब इसी प्रकार से आप लोग इसको देखो कितना बड़ा इक्वेशन थी या कितना बड़ा क्वेश्चन था और उसको आपने डायरेक्टली कर दिया, इसका आंसर कितना आ गया 7, 8, 4, 2, 1, 5। ओके बात करते हैं अपन नेक्स्ट। यदि मान लो ये तो ये था कि एक तरफ बाई तरफ अपने नंबर होते हैं और दाई तरफ 999 या 999 या 9999 कितने भी नंबर हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि क्या पता कि एक तरफ तो नंबर इक्वल आ जाए, यानी एक तरफ तो दो नंबर आ जाए, एक तरफ मान लो 9 अकेला आ जाए, तो अपन उसको मल्टीप्लाई कैसे करें। ओके तो देखना ये भी आपका वाजिब क्वेश्चन बनता है कि अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो आप उसको कैसे करें। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन किया 72 को मल्टीप्लाई करना 9 से, यानी अपने जो LHS में है, अपने जो वाम पक्ष बायां पक्ष जो है उसमें बेहतर है और उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। आपका मेथड वही रहेगा कि आपको एक कम करना है, इसके बाद में 9 में से एक कम किए हुए को घटाना है, ये आपका मेथड था जो मैंने आपको बताया। ठीक है अब अपन बात करते हैं कि इसको लिख देंगे 71 और इसको लिख देंगे 9 - 71। बट वी नो दैट अपन जानते हैं कि 9 में से 71 सबट्रैक्ट नहीं होता, यानी 9 में से 71 यानी 9 में से 71 9 में से इकहत्तर नहीं घटते हैं, और ये जब सबट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको करेंगे ये जो बीच में आपने जो लगा रखा है ठीक है इस सिंबल को हटा देंगे, यानी कितना जाएगा 719, और 719 आने के बाद में आप इसमें से इकहत्तर को घटा देंगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके यानी आप इसको करके देख सकते हैं कि बेहतर को 9 से गुणा करना है, 9 × 18 = 8, 8 × 1 = 9, 7 × 63 = 64, तो अपना जो दोस्तों आंसर आना है वो कितना आ गया 648, यानी 648 अपना क्या आ गया करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करते हैं इस प्रकार का कोई भी नंबर अगर होता है तो आप उनको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आप बड़ी आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर आपको करना है और इसको अगर मान लो 9 से मल्टीप्लाई करना तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है जैसे मान लो इसको 9 से नहीं 99 से करना है मल्टीप्लाई। ओके अगर 9 से करते तो भी वैसे ही करना है, 99 से करते तो भी वैसे ही करना क्या है आपको इसमें से एक कम करना है और उसके बाद में जो भी 9 है अपने उसमें से एक कम किए हुए को घटाना है। ओके यानी ये तो आ गए 454 और 99 में से 454 को घटाने हैं, समझ में आया ना। अब देखो 99 से 400 को घटाने हैं, अब अपने को पता है ये घटता नहीं है तो आप इस सिंबल को बीच वाले को हटा देंगे, यानी इसको ऐसे लिख देंगे और उसके बाद में 454 लिख देंगे। अब आप इसको घटा दो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, कितने बचेंगे 0, कितने बचेंगे 5, तो अपना आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, अपना आंसर कितना आ जाएगा 450। ओके यानी 45,000 अपना क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे 9 से या 99 से या 999 से। तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे जो भी अपने एक्सप्रेशन है या जो भी अपने नियम है रूल है अपन उनको फॉलो करते जाएंगे और आप लोगों तक मल्टीप्लाई दिखा करते जाएंगे। अब देखना जैसे मान लो ये तो हो गया 9 वाला, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। अब मान लो किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है किसी अंक का 11 से गुणा, ओके किसी भी अंक का अगर अपनी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग कैसे लिखेंगे देखो भाई, अगर आपको पता है कि 45 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये अपने को पता है कि 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करते हैं, समझ रहे हो ना, यानी 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना तो कैसे करते हैं जो मैंने आपको बताया था। देखना ध्यान से, पहले आप इकाई को लिख देंगे और इधर लिख देंगे 45। अब बोलो इन दोनों का योग करना आपको कितना आएगा, ये अपना आ गया, ओके ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। जैसे मान लो 36 को मल्टीप्लाई करना है 11 से,
ओके 36 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आप लोग यहाँ लिख दोगे 6, यहाँ लिख दोगे 3 और दोनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, कितना जाएगा, कितना जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 396 अपना क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके तो कहने का मतलब अगर मान लो इसी प्रकार कोई भी नंबर होता है जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई करना है तो वही आएगा 4 आ जाएगा 5 आ जाएगा बट इनका योग आ जाएगा कितना जाएगा 594 और ये आगे 404। कहने का मतलब इकाई का अंक रखना है और फिर इधर जो भी अंक बचा हुआ आपका वो यहाँ पर राइट कर देना है। जैसे मान लो अब 11 को 11 से गुणा करना है, 11 को 11 से, अब 11 को 11 से गुणा करना है, आपको बताया था सबसे पहले आप लोग यहाँ देखेंगे कि डिजिट जो है अंक जो है वो इक्वल है क्या, दोनों तरफ अंक क्या है इक्वल है, कितने अंक है 2, तो आपको 2 तक चलना है फिर घटते क्रम में चलना है आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 111 इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से, तो आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ जो है यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो डिजिट सेम है क्या, ओके यानी अंक जो है 111 है क्या, यहाँ भी 3 टाइम है और यहाँ भी 3 टाइम है, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे 1 2 3, बट आपको फिर डिसेंडिंग होनी है यानी घटते क्रम में चलना है, 1 2 3 फिर 3 से 3 2 1, ओके। इसी प्रकार अगर मान लो ये होता है कि 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 फिर आप घटते क्रम में चलो, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया कि अगर आप 5 टाइम 1 को अगर 5 टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो अपना आंसर कितना जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ओके। अब मान लो इसके ऊपर एक एक्सपेंशन आ गया यानी एक अपवाद मान लो आप इस बात को कि अगर मान लो 11 को मल्टीप्लाई करना है 111 से, ओके एक तरफ तो 2 डिजिट्स हैं और एक तरफ कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स, तो आप लोग इसको दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान से देखना। आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे पहले बात तो कि इक्वल कौन सा है यानी कितने डिजिट इक्वल है, तो आपका आंसर आएगा 2 डिजिट इक्वल है तो 1 2, बट एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा तो 2 और लिखेंगे अपना इसका आंसर करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं 1 2 2 3 ये अपना आंसर। इस मेथड को आप समझो, कहने का मतलब अगर मान लो 11 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम 1 है, ध्यान से देखना 11 को मल्टीप्लाई करना है, देखो अपन ने पहले क्या किया, अपन ने पहले ये किया कि 1 1 इक्वल थे, अब एक तरफ तो 1 कितने हैं 2 है और एक तरफ कितने हैं 4 है, तो मेरे को बताओ पहले तो इसमें इक्वल कितने हैं, दोनों में 2 2 इक्वल है ही, तो आप लोग कहां से चलेंगे 1 2 तक तो चलेंगे, कितने एक्स्ट्रा बच गए इसमें 2 एक्स्ट्रा और हैं, 2 को 2 टाइम और लिखेंगे फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यानी आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि भाई ये आता है 1 2 2 2 ये अपने इसका आंसर आ गया, सही है। तो कहने का मतलब कोई भी नंबर होता है अगर उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग उसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना 11 वाला भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए 11 वाले पे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग देखना अगर मान लो एक तरफ दिया गया है 11 जो है वो 5 टाइम, ध्यान से देखना, और एक तरफ 11 दिया गया है 7 टाइम, तो आपको क्या करना, अगर 5 टाइम होता दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ 5 टाइम होता तो अपने आंसर आ जाते 1 2 3 4 5 4 3 2 है, क्लियर, यस सर क्लियर। अब दिक्कत ये आ गई कि एक तरफ तो कितना आ रहा है 5 टाइम और एक तरफ कितना आ रहा है 7 टाइम, तो आपको ये देखना है कि इक्वल यानी कॉमन जो होता है यानी दोनों जगह जो आ रहा है 5 टाइम 5 टाइम, ओके तो आप लोग बिना झिझके 5 तक तो चलो रुको और इंतजार करो कि भाई और कौन से बच गए 2 और बच गए, यानी 5 कितनी बार हो रहेगा 2 बार आएगा, फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर चलते रहो, ये इसका आंसर आ गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे
तो यही इसका आंसर आएगा। ओके, अब बात करते हैं, चलो ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब मान लो कि कोई नंबर आता है उसमें 11 आपको दिख रहा है, कोई नंबर आ रहा है उसमें आपको 11 दिख रहा है, ध्यान से देखना आप, कोई नंबर आ रहा है उसमें आपको 11 दिख रहा है, जैसे मान लो 22 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास में कई आईडी है, ठीक है, आपको प्रत्येक आईडी से रूबरू करवाएंगे आपको, लेकिन आपको जैसे मान लो मल्टीप्लाई करना है 22 को 33 से, तो इसमें आप लोग ये पता लगा लेंगे इसमें 11 है या नहीं, इसमें 11 है, कैसे है दोनों में देखेंगे, इसमें इसमें वाइट 2 निकाल लिया, इसमें से 3 निकाल लिया, तो यहाँ भी 11 बच गया, यहाँ भी 11 बच गया, यानी अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपना आंसर आएगा कि नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो आप भाई। तो अब ये तो पता ही है कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, अब अंदर गुणा कर दो, 6 × 6 = 12 से लेकर कितना जाएगा, यानी 121 को जब आप लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएंगे 726। अब आप करके देख लीजिए कि 22 को जब आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 627, ये अपने आंसर आएगा, 62 66 62 66 और 66 और 66, इन दोनों को आपस में इस प्रकार ऐड करोगे तो कितना जाएगा 726 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर अपन बात करते हैं कि मान लो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, हाँ सर बैठिए, आइए सर बैठिए, आपके लिए भी रिपीट हो रहा है और आप जरूर अगर आपको कहीं लग रहा है तो आप रिपीट करवा सकते हैं। ओके, जैसे मान लो अपने को मल्टीप्लाई करना है कि जैसे मान लो अपने को मल्टीप्लाई करना है कि 4 को या फिर 33 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो आप लोग इसमें कितने ले सकते हैं, बाहर के 3 मल्टीप्लाई 4 ले सकते हैं, यहाँ बस गया 11, यहाँ आ गया 11, तो आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 to 1, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना। अब मान लो कि इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो 2 × 2 इसको 33 से मल्टीप्लाई करना, यानी आपके पास में महिपाल जी कितने आ गए 222 × 33, अब आप इसको कैसे करें, तो आप लोग ये सोचेंगे कि सबसे पहले तो इसमें देखो 11 है, क्या 11 है, 11 होने का मतलब इसका 11 इसका मल्टीपल में या इसका फैक्टर 11 है क्या, क्योंकि इसमें 11 का डिवाइड होता है, इसमें भी 11 का डिवाइड होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, यानी इसमें अगर आप इसमें से 2 ले लेंगे, इसमें से आप 3 ले लेंगे, तो यहाँ तो कितने हो जाएंगे 1 1 1 और यहाँ जाएंगे 1 1। अब आपको क्या करना है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मान लो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग 1 2 1, अगर आपको 11 यानी 3 टाइम को मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर लेंगे, बट लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ तो 3 टाइम आ गया, यहाँ 2 टाइम आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 टाइम है तो 2 टाइम पे तो आप चलो, ओके, उसके बाद में 1 एक्स्ट्रा है तो 2 एक बार और आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6 = 12, हासिल 1 × 6 = 12 = 13, बोलो आंसर आएंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 6 × 6 = 12 = 13 = 7326 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी आप किसी भी मल्टीपल को आप इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं, यदि वो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब। ओके, अब अपन बात करते हैं कि मान लो कोई अपने पास में ऐसे दो नंबर आ जाए, ठीक है, मान लो कोई आपके सामने ऐसे दो नंबर आ जाए जो मैंने आपको बताया कि, ठीक है दीपक जी आप जरूर बताएंगे, तो जैसे मान लो कोई भी दो नंबर है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है बेशर्त उनके पास में कंडीशन है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक्सपेंशन है, यानी कई जगह अपवाद के रूप में होते हैं, यानी ये नहीं होता कि ये सभी जगह लागू होगी, लेकिन ये सारा अगर आप लोग नॉलेज में रखोगे ना तो आप लोग बिल्कुल मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं, जो आज का अपना टॉपिक है। यदि मान लो कोई भी नंबर है और उसमें इकाई का अंक है उसका योग 0 है यानी 10, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद में जो शेष नंबर है वो सेम है, यानी इसमें कंडीशन है
इकाई का अंक, इकाई का अंक का योग कितना होना चाहिए? उसके बाद में शेष अंक जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? समान। देखना ध्यान से कैसे मल्टीप्लाई होता है आसानी से। फॉर एग्जाम्पल भाई अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी 22 को मल्टीप्लाई करना 28। ओके, इकाई का अंक देखेंगे इसमें, इकाई का कितना है, ठीक है, यानी इनका सम कितना आ रहा है, यानी इनका योग कितना आ रहा है भाई, 10 आ रहा है। इनको छोड़ करके अलग जो नंबर बच गए ये समान है, है। तो अपना मेथड क्या होता है कि आप इसको एक ज्यादा करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। करके चेक कर लेना आप, 28 × 56 और 28 × 56 6 5 1 11 करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी सवाल को आप अनेक तरीके से कर सकते हैं, यानी ये जो तरीका मैंने अभी बताया वो तो इसी पे लगेगा जिसमें इकाई का अंकों का योग 10 या 100 या 100 होता है, यानी इकाई का योग 10 नहीं 100 नहीं हो सकता, तो इकाई और दाई को मिला करके 100 हो जाएगा, 100,000 यानी इकाई दाई सैकड़े को मिला करके हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं यहां पर, अगर मान लो इसी से संबंधित कोई और एक एग्जांपल है अपने पास में, और एग्जांपल बताइए कोई, आप बताइए कोई एग्जांपल, कोई भी नंबर बताइए आप जिसको मल्टीपल करना है, उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें इकाई का जो अंक है उसका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। बताओ 42 और 48। ओके 42 और 48, अपने को इसमें देखना है कि सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ओके तो आप लोग क्या करेंगे, जिसका सम हो रहा है उसको आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस। थोड़ा आपको बता रहे हैं इसमें समय लग रहा है, अन्यथा आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, समान है तो इसको एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2016 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 2016 आ गए अपने, अगर 42 को आप 48 से गुणा करोगे तो 2016 आएंगे, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लो 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, अपनी शर्त ये होती है कि इकाई का अंक उनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, इकाई का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और जो भी नंबर है वो सेम होने चाहिए। तो आप लोग इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम जो है उसको एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 5625 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मोहित आप कर सकते हैं क्या प्रश्न, कर सकते हैं ना जरूर, यानी अगर मैं आपसे पूछूं, ये लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मल्टीप्लाई करना है से, तो आप लोगों का रिप्लाई क्या आएगा, करके देख लो, आप भी चेक कर सकते हो, जो ऑनलाइन क्लास में है वो भी देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि 14 को 16 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आपके लिए प्रैक्टिस लग रही है, जल्दी बताओ। आप इसको करके देख लीजिए एक बार, तो आप इस प्रकार से ये कंडीशन होगी कि इकाई का अंक का योग 10 100 या फिर अलग नंबर हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब 3 डिजिट वाला लेते हैं, एक बार 102 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, करो आप प्रैक्टिस करो एक बार, आप 108 को 102 से या 102 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर बताइए जल्दी से, इसमें इक्वल कितना है, पहले वो देख लीजिए जिनका सम कितना है वो देख लीजिए। ओके
सब कितना है उनका तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो इक्वल है उसको एक बढ़ा करके, यानी कितना करना है 11 करना है, तो कितना जाएगा 11,016 कितना है 11,016 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, बिकॉज देयर आर सम ऑफ वंस डिजिट, यानी यहां पर वंस डिजिट जो है इकाई का जो उनका योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है. ओके, लेकिन और जो नंबर बच गए वो कितने हैं इक्वल है, इक्वल है तो उसमें वेरीफाई होता है. जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि 105 को 105 से गुणा करना है, आप बताओ आप ही बोलो डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल मोहित, बहुत अच्छा. कितना क्या 11,025 बहुत सुंदर. यानी 10 को 20 से गुणा करना है, 11 से गुणा करना है और 5 को 5 से गुणा करना है, 25 आ जाएगा. यानी इस प्रकार आप कोई भी नंबर होता है उसको आप मल्टीपल कर सकते हैं. आप देखो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कुछ एक छोटा सा और है आपको, कि अगर मान लो कोई नंबर है दो डिजिट वाला है, वो कैसा भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है. ये तरीका जो है सबके लिए लागू होता है. कोई भी दो अंक को आपस में गुणा करना है, कोई भी दो नंबर है उनको यानी अंक आपस में गुणा करना है. जैसे मान लो 14 को मल्टीप्लाई 16 से करना है. कई तरीके हैं, ये जो तरीका है ये सब पे लागू होता है. या फिर आप लोग इसको कर लीजिए 12 को 13 से करना है. ओके, इसमें देखो सेम है, बट इकाई का जो अंक है उनका योग 10 नहीं है, तो इसको अपन कैसे करें. तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मान लो ए पी है, दूसरी मान लो बी पी है या सी डी है, ठीक है, या बी को मान लो, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है. यानी पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में ए को क्यू से और बी को पी से, और इधर क्या करना है बी को क्यू से करना है. देखना ये आपको समझाने के लिए क्या गया. जैसे मान लो 12 को 13 से गुणा करना है, डायरेक्टली कर दो ना, 2 को 3 से करो 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 3 एकम 3 दो 5, इसके बाद में 1 एकम 1, यानी अपना आंसर आ जाएगा 156. ठीक है, अपन ने पीछे किया था एक क्वेश्चन कि 14 को 16 से जो अपना आंसर आया था 224. चेक करते हैं ये जो मेथड है ये सभी पे लागू होता है, तो अपन चेक कर लेते हैं कि इसको भी इसका आंसर कितना था. देखना ध्यान से, 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, इसको से मल्टीप्लाई कर दो 4 मल्टीप्लाई 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 6 कम 6 4 10 हो जाएंगे, 1 कम 1 हो जाएगा, 1 आ गए ये 10 आ गए ये आ गए 24. इसमें क्या करना है, इसमें देखो 24 में कितने हासिल हो गए, 2 हासिल हो गए आगे जोड़ दो, यानी 12, और 12 में कितने हासिल हो गए 1 हासिल हो गए, तो आंसर आ जाएगा 224. और जो अपना वैसे भी 200 से ज्यादा था. तो ये करने मतलब ये है कि आप लोगों को अगर मान लो इस प्रकार के सारे एक्टिविटीज यानी ये सारे अगर मेथड आपको आने लग जाएंगे ना, तो आप लोग किसी भी नंबर को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर मान लो कोई नंबर आ जाए अपना और उसमें कोई भी एक अंक समान होता है, ध्यान से देखना, आपको प्रत्येक तरीके से बताया जा रहा है, मोदी ध्यान से देखना, कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, ओके, और उस नंबर को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और उसमें शर्त हो जाती है कि एक जो अंक है वो समान होता है, या तो इकाई का अंक है या तो इकाई. फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग इसमें ये बताएंगे इसमें कौन सा अंक समान, तो मेरे को बताओ समान है कौन सा इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा इजी है, बड़ा ही इजी है. देखो इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत. इसके बाद में समान जो नंबर है उसमें असमान नंबर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी समान अपना कितना है 2 है और इक्वल तो 2 है और 8 प्लस 3, उसके बाद में इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 गुणा 4, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो 8 3 11 2 22 8 की 24, 24 में कितने हासिल है भाई साहब 2 हासिल है, इधर जुड़ जाएंगे कितने आ जाएंगे इधर आ जाएंगे 8 4 4 वैसे करके देख
सॉरी 6 आ जाएगा, है दो ऐसे लगे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो 8 2 24 8 2 8 56 4 4 6 644। ओके, यानी ये कहां लगता है, जब भी कोई नंबर एक समान होता है, जैसे मान लो 58 को गुणा करना है गुण सक से, इसमें कौन सा अंक समान है, 5। ध्यान से देखना, जल्दी से कर सकते हो आप, इनको मल्टीप्लाई करना है कोई दिक्कत नहीं, समान को बाहर रखना है, असमान को ऐड करना है कोई दिक्कत नहीं, और 5 को 5 से गुणा करना है, कितना होते हैं 25 होते हैं, इसके बाद में 9 में 8 जोड़ो कितना जाएंगे 17, और 17 पूछे 85 72 फांसी लगा दो भाई, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी जोड़ो, थोड़ा सा कैलकुलेशन और टाइट करो, 85 में 7 जोड़ दो कितना जाएंगे, 25 में 9 जोड़ दो कितना जाएंगे 34। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो भाई, 58 को 200 से मल्टीप्लाई करो आप, हाँ चेक करो, चेक करो आप कि आंसर अपना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आप भी कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं दोस्तों, 58 को गुणा करना है गुण सबसे, तो अपना आंसर आ जाएगा 3422। तो इस प्रकार से आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, बाकी जो आपको मेथड बताया था कि AB मल्टीप्लाई PQ, ये मेथड सभी में लागू है, ओके, और ये मेथड वही लगेगा जहां पर कोई भी अंक समान हो, एक अंक समान होता है, जैसे मान लो अभी देखो अपन ढाई का अंक समान लेते हैं, क्या पता इकाई का अंक समान आते हैं, देखना जैसे मान लो 18 28, देखना ध्यान से कितना सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से लिखना, बोलो इक्वल है ना, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा इक्वल है 8, तो आपको इधर तो इकाई को अंक ही गुणा करना है, लेकिन इधर आप समान को बाहर रख लेंगे और असमान को ऐड कर देंगे, ये तो करते ना, यानी इधर तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर समान को बाहर रख लेंगे असमान को अंदर कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे वर्ग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप बताइए क्यों आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितने जाएंगे 3 4 कितने जाएंगे 504। चेक कर लो एक बार, 28 को 18 से मल्टीप्लाई करो 16 22, 28 से कम 28 405, 504 अपना आंसर आ गया। तो कहने का मतलब आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या पता दोनों ही इक्वल आ जाए, क्या पता दोनों ही इक्वल आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया या फिर ये मान लो 22 22, ये भी इस तरीके से हो सकता है, इकाई का इनको मल्टीप्लाई कर दो, इधर समान को बाहर रख लो असमान को अंदर रख दो, अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें असमान क्वेश्चन है नहीं, कोई बात नहीं, समान को बाहर रख लो जो भी बच गया उसको अंदर ऐड कर दो, उसके बाद इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा 4, अपना आंसर आ जाएगा 4 8 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, यानी आप इससे किसी भी नंबर का वर्ग भी ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, मैंने इसे लिखा कि 22 गुणा 22, तो ये 22 का होल स्क्वायर नहीं होता क्या, 22 गुणा 22 22 का होल स्क्वायर होता है ना, तो आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को आप इस मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया इकाई का सेम है, अगर मान लो आपके सामने नंबर आ गया कोई इस प्रकार का, जैसे मान लो 38 और मल्टीप्लाई करना है 6 या 78 से, इसमें बोले इकाई का अंक कौन सा है 8 है, यानी इकाई का अंक 8 है, और 8 क्या है समान है, तो आप लोग क्या करेंगे इकाई को अंक को गुणा करना है, समान को बाहर करना है असमान को जोड़ना है, बोलो ये सेम कोई दिक्कत, इसके बाद क्या करना है इकाई के ये सुनताई के अंक को मल्टीप्लाई करना है 21, देखो 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए, और 10 को 8 से गुणा करो 80 64, भाई 8 से 6 है कितना जाएंगे 86, बोलो 2 9 6 6, आप चेक कर लो भाई, मोहित चेक करके बताओ, आप भी बताओ चेक करके बताओ भाई, 38 को 78 से मल्टीप्लाई करो, आप भी चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में,
और आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रह करो, किसी भी नंबर का आप प्रैक्टिस करते रह करो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से। इसमें शर्त कौन सी है कि कोई भी एक डिजिट इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने क्वेश्चन किए हैं आज, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये दो चार वीडियो अपन बनाएंगे, दो चार वीडियो में आपको ये मैथमेटिक्स का जो भी ये मल्टीप्लेक्शन है, यानी जल्दी से मल्टीप्लाई करना या जल्दी से डिवाइड करना, उसके बाद में आपको एक मेथड और भी बताएंगे जो ऑप्शन वाइज अपन डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बने रहेगा अपने चैनल पे। और अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो भी करते हैं वो आप भी, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।